हेलो फ्रेंड्स, मैं विराट अरोड़ा, बायोलॉजी लेक्चरर, अपने सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने 2021 में क्लास 10th और 12th पास की है, उनके बम्पर रिजल्ट की उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप आगे भी इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और खूब ऊंचाइयों को छुएंगे। और आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर भी बात करना चाहता हूं। कुछ लोग हमारे इन बच्चों को जिन्होंने अभी 10th और 12th पास की है, इनके रिजल्ट्स को लेकर के इन पर फब्तियां कस रहे हैं, इनको ट्रॉल कर रहे हैं, इन पर मीम्स बनाए जा रहे हैं। ऐसा बहुत गलत है। और कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये मार्क्स भी इनके अपने नहीं हैं, जबकि ये कहना बहुत गलत होगा। क्या इन बच्चों को पहले दिन से पता था कि एग्जाम नहीं होंगे? नहीं, इन्हें लास्ट मोमेंट पे बताया गया कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये मार्क्स इनके नहीं है, क्योंकि बच्चों ने पहले दिन से पढ़ाई करी है, उन्होंने पढ़ाई को छोड़ा नहीं और उन हालातों में पढ़ाई करी है जब मानसिक दबाव बहुत ज्यादा था, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, फिर भी पेरेंट्स ने और बच्चों ने दोनों ने मिलकर उससे कोप अप किया, मेहनत करी बच्चों ने, सारा सारा दिन मोबाइल पर आंखें गड़ाए रखी, अपनी आंखों को कमजोर किया, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई को नहीं छोड़ा और ऐसी कंडीशन में उन्होंने अडेप्ट किया, ये काबिले तारीफ नहीं है। इतनी मेहनत बच्चे कर रहे थे और उस मेहनत को कुछ लोगों ने एक सेकंड में नकार दिया। जो बच्चा आज क्लास 12th में है, क्या उसने कभी एग्जाम ही नहीं दिए थे? वो नर्सरी से 12th तक क्या बिना एग्जाम दिए आ गया था? सिर्फ एक एग्जाम नहीं हुए तो आप लोगों ने उनको तंग करना शुरू कर दिया, उनको ट्रॉल करना शुरू कर दिया। बहुत गलत है। नर्सरी से 12th तक कई सौ बार उस बच्चे ने पेपर दिए, टेस्ट दिए, क्या वो मेहनत को हम बेकार कह दें? नहीं। अगर एक एग्जाम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की मेहनत पर पानी फेर दिया जाए। 14-15 साल की मेहनत करी है बच्चों ने 12th तक आने में और तब जाकर के वो 12th तक पहुंचे हैं, और क्या उस सारी मेहनत पर पानी फेर दें? नहीं। ये सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने मानसिक दबाव होने के बावजूद, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद और बहुत तरीके की मुसीबतों को भी झेला। लॉकडाउन लगा था, स्कूल नहीं खुले थे, कोचिंग सेंटर्स नहीं खुले थे, पेरेंट्स परेशान थे और कुछ बच्चों ने तो पेरेंट्स को ही खो दिया। आप उनके हालात को भी नहीं समझ रहे, उनको ट्रॉल कर रहे हैं, उनके रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। बहुत गलत है। आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया, अपने सगे संबंधियों को खोया, घर में बहुत सारी टेंशन्स थी, उसके बावजूद भी वो बच्चे मोबाइल पर आंखें गड़ाए रहे, मेहनत करते रहे, लास्ट मोमेंट पे आकर के सरकार ने इसकी सुध ली और ये अच्छा किया कि बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया, वरना बच्चों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता था। तो सरकार भी बधाई की पात्र है और हमारे बच्चे ये सभी कोरोना योद्धा हैं। इन्होंने पढ़ाई को जारी रखा, मेहनत करी, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स तो ये अब भी देंगे। तो अगर बच्चों ने एक एग्जाम नहीं दिया तो उनको ट्रॉल नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए हमें अप्रिशिएशन करना चाहिए कि उन्होंने इस कंडीशंस में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और मैं आशा करता हूं ये सभी बच्चे आगे भी बहुत सफल होंगे, बहुत मेहनत करेंगे। धन्यवाद।